सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खड़ा मसाला दम चिकन। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े का चिकन बनेगा ये दम चिकन। और ये ईद स्पेशल है, आप ईद के दस्तरखान पर ये ज़रूर बनाकर रखें। ईद पर तो जितने भी लवाजमात हो दस्तरखान पर, जितनी भी डिशेज हो, पुलाव, कबाब, बिरयानी और चिकन की जितनी भी डिशेज हैं, अच्छी से अच्छी बनी हुई हो तो बहुत अच्छा लगता है, और खाने वालों को भी अच्छा लगता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज हैं। तो इसमें आप एक इजाफ़ा कीजिए इस दस्तरखान डिश पर। ये दम चिकन हमने बनाना है खड़े मसाले के साथ। इसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो चिकन। इसको अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लेना है। ये दो दरमियानी ऑनियंस लिए, इसको चॉप कर लेना है। पांच छह हरी मिर्चें हैं, इनको भी चॉप कर लेना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट दो खाने के चम्मच है। ये पिसी हुई काली मिर्च हमने इसमें लेनी है एक खाने का चम्मच। ये साबुत गोल लाल मिर्च आठ दस दाने लेने हैं। ये साबुत धनिया कुटा हुआ एक टी स्पून लेना है। गर्म मसाले में हमने लेना है ये दालचीनी दो चार टुकड़े और ये काली मिर्च पाँच दस दाने। और ये टमाटर लेने हैं हमने चॉप, ये दो दरमियाने ले लें आप, लेकिन इनको हमने बहुत नाइफ से चॉप करना है और बहुत अच्छा सा चॉप करना है, इनको हमने चॉपर में चॉप नहीं करना। अब हमने क्या करना है, ऑयल लिया है हमने चार पाँच खाने के चम्मच, और हमने पैन में उसको गर्म कर लेना है। और हमने ऐड करनी है ये प्याज और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, आज थोड़ी हमने दरमियानी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही अब हमने ये प्याज भी ऐड कर देनी है इसमें। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। साथ ही अब हमने इसमें ये चिकन ऐड कर देना है। तीन चार मिनट इसको भूनना है। ये दो तीन मिनट हमने इसको भून लिया है अच्छा सा प्याज और अदरक लहसुन के साथ चिकन को। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा कप जितना, ताकि ये चिकन अच्छा सा गल जाए। और हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये 10 मिनट हो गए, चिकन हमारे गल गया है। बाकी मसालों के साथ भी अभी इसमें हमने दम पे रखना है इसको, मजीद हो जाएगा ये अच्छा सा। अब हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है, काली मिर्च पाउडर, और इसको हमने थोड़ा सा इसके साथ भूनना है। दो तीन मिनट बस इसको अच्छा सा भूनना है हमने। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, ये गरम मसाला, साबुत गोल लाल मिर्च आठ दस दाने, ये कुटा हुआ साबुत धनिया, ये टमाटर। इसके साथ हम अच्छे से इसको दो तीन मिनट के भूनेंगे।
भून लिया। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर हरी मिर्च आपको ज़्यादा लाइक नहीं करते आप, तो आप कम डाल ली, दो तीन डाल लें बस। एक लेमन का हमने इसमें जूस भी ऐड करना है। बस अब हम इसको अच्छा सा थोड़ी देर चलाएंगे और फिर धीमी आंच पे कवर करके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये दम में मज़ीद इसके मसाले सारे हो जाए और ये चिकन मज़ीद पक जाए। दम लगा कर रख देंगे, लेकिन बीच में हमने इसको चेक ज़रूर करते रहना है, ये नीचे से जलने ना पाए। बिल्कुल धीमी आंच कर देना है हमने इसको। ये 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है या हस्बैंड टेस्ट, आप जितना लाइक करते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये 15-20 मिनट मैंने इसको दम पर रख दिया था और नीचे मैंने ये इसके तवा रख दिया था ताकि ये नीचे से जले ना। ये देखिए बिल्कुल नहीं लगा, ये हमारा बिल्कुल चिकन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीचे से कोई इसमें कोई जला वाला नहीं है। और अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा दम चिकन, खड़ा खड़े मसाले का दम चिकन हमने तैयार किया है ईद स्पेशल में। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये लीजिए ये खड़ा मसाला दम चिकन, बहुत मज़ेदार ये तैयार हुआ है हमारा ईद स्पेशल में। हमने ये रेसिपी दी है आपको, आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी डाइनिंग टेबल पर या दस्तरखान पर ज़रूर इसे ऐड करेंगे, मेहमानों के आगे सर्व करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, और ईद की ये ख़ास रेसिपी है। आप ये बनाएं और नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ आप इसे सर्व करें। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।